अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कैलीग्राफी में लिखना सिखाएंगे, वो भी बिल्कुल आसान। बस अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेहरबानी करके इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त अहबाब में शेयर करें। एक अहम गुजारिश, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वीडियो को स्किप करके देखते हैं और रिज़ल्ट ये होता है कि वो सीख नहीं पाते। तो मैं उन लोगों से बिलखसूस गुजारिश करूँगा कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिए। जब आप मुकम्मल वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से लिखते हैं। तो बस आप इस चीज़ को पूरा पूरा ख्याल रखें और वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें। मैं फिर गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्त अहबाब में ज़्यादा से ज़्यादा शुरू करें। चलिए अब हम इस वीडियो में लिखते हैं सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, तो उसकी शुरुआत करते हैं। देखिए किस तरीके से बिल्कुल आसानी के साथ आप आराम आराम से कलम को मार सकते हैं और आप लिख सकते हैं। देखिए कोई वीडियो बिल्कुल ही फास्ट किया हुआ नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल स्पीड है। आप इस स्पीड से आसानी से लिख सकते हैं और आपको मुकम्मल समझ में आएगा कि किस हिसाब से सीन बनाना है, ये बनाना है, दाल बनाना है, अलिफ लिखना है, लाम के साथ नीम को किस हिसाब से जोड़ेंगे। ये सब आप जब वीडियो को बिल्कुल ही आराम से और मुकम्मल पूरी वीडियो जब आप देखेंगे तभी आप सीख पाएंगे। तो मेरी गुजारिश यही है कि आप शुरू से लेकर आखिर तक इस वीडियो को ज़रूर देखिए, इंशाल्लाह आपको पूरा मुकम्मल समझ में आएगा कि किस हिसाब से किस तरीके से इसे लिखा जाता है। ये बिल्कुल ही आसान है, आप देख सकते हैं कि इस अभी मैंने लिखा सैयदुल मुरसलीन, उसके बाद लिखेंगे सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, फिर ज़बर ज़ेर पेश माधी सब लगाएंगे, इससे ज़्यादा खूबसूरती इसकी बढ़ जाएगी। तो आप इस चीज़ का पूरा पूरा ख्याल रखें और जब भी आप लिखें तो बिल्कुल आराम से, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आसानी से आप वीडियो के ज़रिए से सीख करके आप लिख सकते हैं। तो मैं ये गुजारिश करूँगा कि आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए। वीडियो अगर आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए। कमेंट दे करके आप अपनी राय ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।